हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम जानेंगे कि आखिर समाज हमारे एटीट्यूड को चेंज कैसे करता है। करें देखो, हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड जनरली हम सीखते हैं यहाँ पर जब हम पैदा होती हैं। फिर अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे अंदर वो एटीट्यूड बनता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर समाज हमारे जो जो एटीट्यूड हैं उनको चेंज करने में या उनको बनाने में कैसे जो भूमिका है वो कैसी रखता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अंत तक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है, देखो एटीट्यूड क्या है, वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। करेक्ट, एटीट्यूड के तीन पक्ष क्या थे। सबसे पहला था संज्ञान पक्ष, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, सोचने का। दूसरा होता है इमोशनल, इमोशनल पक्ष। ओके, और तीसरा होता है तुम्हारा क्रिया, करेक्ट, मतलब एक्शन पक्ष। ओके, तो ये तीनों मिलके हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। अब ये तीनों हैं बेसिकली, इसमें समाज बनाने में बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे सबसे पहला है, हमारा समाज हमको कैसे सिखाता है या कैसे चेंज करता है एटीट्यूड को। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। करेक्ट, हमारा जो एटीट्यूड बनता है या चेंज होता है उसको, वो होता है ऑब्जर्वेशन से, कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। जैसे कहीं शादी हुई तो लोग क्या कर रहे हैं शादी में, करेक्ट, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, किसका क्या कार्य है, तो हम ये सब चीजें ऑब्जर्व करती हैं। जब हम मंदिर जाती हैं तो क्या करती हैं, जब हम बाजार में जाती हैं तो क्या करती हैं, सब्जी वाले के पास जाती हैं तो क्या करती हैं। करेक्ट, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे रिलेटिव हैं वो हमको ले जाके बताते हैं, देखो ऐसे करो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना चाहिए। या कई बार तुम ऑब्जर्व करते हो उन चीजों को, अच्छा इसने ऐसे किया, ये सिचुएशन थी, ये ऐसे किया, ऐसे निगोशिएट किया। करेक्ट, तो ऑब्जर्वेशन से बेसिकली हम काफी चीजें सीखते हैं। तो पहला जो सोसाइटी हमको सिखाती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, दूसरी चीज सिखाती है, दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। करेक्ट, कईयों बार जो हमारा समाज है वो हमको मोटिवेशन के थ्रू हमारे एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। कैसे मोटिवेशन के थ्रू करेगा चेंज, जैसे अगर वो तुम्हारा एटीट्यूड चाहता है कि तुम किसी धर्म के प्रति या जाति के प्रति या किसी के प्रति थोड़ा तुम्हारा रुझान बने, करेक्ट, तुम्हारा कॉग्निटिव पक्ष हो, इमोशनल पक्ष ज्यादा हो, तो क्या होगा, उसमें मोटिवेशन डाल देगा कि यहाँ पर जो आएगा, जैसे मंदिर में कोई भी आदमी अगर ट्यूसडे को आएगा तो उसको प्रसाद मिलेगा। करेक्ट, अब क्या होगा, या कुछ मिलेगा, अब क्या होगा, उससे तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आ गया, चलो यार वहां चलती हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे या कुछ मिलेगा अपन को। तो तुम वहां गए, एक ट्यूसडे गए, दूसरे ट्यूसडे गए, तीसरे ट्यूसडे गए, अब चौथे ट्यूसडे में क्या होगा, उसमें कुछ और ऐड कर देगा वो, और धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद वो मोटिवेशन तो हट जाएगा लेकिन तुम्हारी वो आदत बन जाएगी। तो ऐसे मोटिवेशन के थ्रू भी सोसाइटी हमारा, हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है। करेक्ट, तीसरा एटीट्यूड आता है, तीसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं फोर्स या प्रेशर। प्रेशर, करेक्ट, तो इसके थ्रू कि सोसाइटी में क्या है कि कुछ रूल बना दिए कि नहीं भाई रात में लड़कियां 10 बजे के बाद नहीं निकलेंगी, अगर निकलेंगी तो उसकी निंदा करना शुरू कर देगा सोसाइटी। करेक्ट, मारेगा नहीं, निंदा करना शुरू कर देगा, उसकी लड़की देखो रात में 10 बजे तक जाती है। करेक्ट, अगर कोई कोई अगर कुछ कर रहा है, करेक्ट, कोई गलत काम कर रहा है तो लोग उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर देती हैं, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। करेक्ट, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू, करेक्ट, हम अपनी एक सोसाइटी हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है। तो ये जो तीन तरीके, देखो अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, करेक्ट, कि किसी का एटीट्यूड सबसे ज्यादा चेंज किसके कारण होता है, तो उसमें सबसे नंबर वन पे आएगा ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, हम ऑब्जर्वेशन से एटीट्यूड ज्यादा तरीके से चेंज होता है, सोसाइटी उसमें काफी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे नंबर पे आता है मोटिवेशन और तीसरे नंबर पे आता है प्रेशर। लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड चेंज के बारे में बात करें, करेक्ट, कि कौन से मेथड से जो एटीट्यूड चेंज होगा उसमें उसकी क्वालिटी क्या होगी, करेक्ट, तो उसमें सबसे नंबर वन पे आएगा मोटिवेशन। करेक्ट, देखो मोटिवेशन में क्या रहता है ना, कि तुम आदमी के अंदर के संज्ञान को चेंज कर रहे हो,
उसको मोटिवेट कर रहे हो, जिससे कि उसमें क्या है ना कि मोटिवेशन के थ्रू अगर एटीट्यूड चेंज होता है तो उसमें क्या है वो काफी समय तक स्थिर रहता है, बहुत समय तक स्थिर रहता है, करेक्ट। और तुमको उसमें क्योंकि तुम उसको खुद कर रहे हो, तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना भी बहुत अच्छी सी रहती है, करेक्ट। और तुम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो इसके। तो दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। और तीसरे नंबर पे आता है फोर्स और प्रेशर, तो फोर्स और प्रेशर के थ्रू जो एटीट्यूड चेंज होता है वो लिमिटेड समय के लिए रहता है। जैसे ही फोर्स और प्रेशर हटा, तुम्हारा एटीट्यूड फिर से चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बेसिकली तीन तरीके हैं जिसके थ्रू सोसाइटी हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है, करेक्ट। होप इस वीडियो के थ्रू तुमको थोड़ा आइडिया लगा हो कि कैसे हमारे एटीट्यूड चेंज होती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आएगा। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। थैंक यू।